हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग संबंध एवं फलन पर चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने आपको संबंध एवं फलन से संबंधित क्रमित युग्म और समुच्चयों के कार्तीय गुणन और पहली प्रश्नावली 2.1 का हल सहित कर लिया था। आज हम अगले टॉपिक संबंध की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम सिर्फ यह जानेंगे कि संबंध क्या होता है और संबंध कैसे स्थापित किए जाते हैं और संबंधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे प्रांत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है, और क्या, सहप्रांत जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, और परिसर, रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो संबंध नाम का टॉपिक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए नहीं कि यह ज्यादा अंकों के साथ पूछा जाता है, बल्कि इसलिए कि यह अन्य बहुत से चैप्टरों में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे संबंध के बिना हम फलन नहीं पढ़ पाएंगे, संबंध के बिना अगली कक्षा में हम लोग फिर से जैसे संबंध फलन यहाँ पढ़ रहे हैं, वैसे अगली कक्षा का कक्षा 12 में भी हमें एक टॉपिक मिलेगा संबंध एवं फलन, वहाँ भी पढ़ेंगे हम। ऐसे ही वहाँ हमें क्या मिलेगी, सीमा तथा सतता मिलेगी, वहाँ भी संबंध एवं फलन की चर्चा होगी। तो मतलब आने वाले कई चैप्टरों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, संबंध को पढ़ेंगे। देखिए, संबंध की अगर हम चर्चा करें तो आपके पास स्वयं का भी कुछ संबंध है। जैसे आप जिस गांव में रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, वहां भी आपका क्या है, संबंध है। आप किसी के भाई हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी के चाचा हैं, आप किसी के मामा हैं। इस प्रकार के जो संबंध हैं, उसी संबंधों को हम यहाँ क्या गणितीय भाषा में पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज हम पूरे संबंध को देखेंगे कि एक्चुअल में संबंध क्या होता है, लेकिन इससे पहले कि आपको समुच्चय अच्छे से आना चाहिए, इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके समुच्चय की पूरी वीडियो उपलब्ध है, जाकर उन्हें क्रम से देख लें। देखिए, संबंध क्या, संबंध सबसे पहले हम आपको उदाहरण से दिखाते हैं कि संबंध कैसे बनाएंगे हम लोग। संबंध बनाने के लिए हमारे पास दो लोग होने चाहिए, उसी प्रकार से संबंध के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, दो समुच्चय होने चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास समुच्चय एक ए है, दूसरा समुच्चय कौन है, बी है। हमारे पास समुच्चय एक ए है और दूसरा समुच्चय क्या है, बी। मान लीजिए समुच्चय ए में हमारे पास जो अवयव है वो एक है, दो है, तीन है, और समुच्चय बी में कौन है, चार है, पांच है और छह है, ठीक है ना। तो संबंध क्या, संबंध, संबंध को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेशन। क्या बोल रहे हैं, रिलेशन, ठीक है। तो हम ए और बी में क्या स्थापित करने चल रहे हैं, संबंध स्थापित करने चल रहे हैं। तो ए और बी में संबंध स्थापित कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले हमने आपको कार्तीय गुणन सिखाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, समुच्चय का कार्तीय गुणन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, पहले में भी हमारे पास कितने अवयव हैं, तीन अवयव हैं, दूसरे समुच्चय में भी हमारे पास कितने अवयव हैं, तीन अवयव हैं। तो इन दोनों समुच्चयों से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले कार्तीय गुणन। एक का जो संबंध होगा वो किससे होगा, एक से होगा और किससे, चार से होगा। एक का संबंध किससे होगा, एक का से और किससे, पांच से। इसी प्रकार से क्या, एक का संबंध किससे होगा, एक से होगा और किससे होगा, छह से होगा। फिर हम लोग एक का संबंध तो चार से भी बना चुके हैं, एक का संबंध किससे, पांच से भी बना चुके हैं, एक का संबंध किससे, छह से भी बना चुके हैं। अब बारी किसकी है, दो की। तो दो का संबंध किससे, चार से। दो का संबंध किससे, पांच से। दो का संबंध किससे, छह से। इसी प्रकार अगर हम लोग तीन देखें तो तीन का संबंध किससे, चार से। तीन का संबंध किससे, पांच से। तीन का संबंध किससे, छह से, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा क्या, ए क्रॉस बी। ये हमें जो हमने ये बनाया है, ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी। हमने आपको ये भी सिखाया था कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, समुच्चय किसी पहले समुच्चय में यदि अवयवों की संख्या पी है, ठीक है, और किसी समुच्चय दूसरे समुच्चय बी में अवयवों की संख्या क्या है, क्यों है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी के कार्तीय गुणन में जो अवयवों की संख्या होगी वो क्या होगी, पी क्यू होगी। क्या होगी, पी गुणे क्यू होगी, ठीक है। हमने आपको यह भी बताया था।
तो आप देख पा रहे हैं ए क्रॉस बी में, ए में हमारे पास तीन अवयव हैं, बी में हमारे पास कितने अवयव हैं? तीन है, तो तीन त्रिका नौ। ए क्रॉस बी में हमारे पास कुल कितने अवयव हैं? नौ अवयव हैं। देखिए आगे आगे हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग इसी समुच्चय इसी कार्तीय गुणन को अगर प्रदर्शित करना चाहे तो एक दूसरी भी विधि है, प्रतिचित्रण विधि, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं कार्तीय गुणन को। देखिए कैसे, ये हमारा रहा कौन सा सेट, समुच्चय ए, और ये हमारा कौन सा सेट है, बी है। ठीक है, हमने यहां क्या लिखा, एक दो तीन, यहां क्या लिख दिया, चार पांच छह। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक का संबंध किससे बना दिया, चार से, एक का फिर किससे बना दिया, पांच से, फिर एक का किससे बना दिया, छह से। अगर आपको ये क्रमित युग्म लिखने ना आ रहा हो तो आप क्या करें, सबसे पहले प्रतिचित्रण के माध्यम से संबंध स्थापित कर लें, फिर उसके क्या कर दें, क्रमित युग्म बनाकर लिख लें। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, दो से बना दीजिए, किसका बना दीजिए, दो से, दो का किससे हो जाएगा, चार से, दो का किससे, पांच से, दो का किससे, छह से। इसी प्रकार तीन का किससे, चार से, तीन का किससे, पांच से, तीन का किससे, छह से। ये रहा हमारा क्या, ए और बी में क्या संबंध। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या बात करें, हम लोग क्रमित युग्म तो सीख लिए हैं, हमें आज क्या सीखना है, संबंध सीखना है। अगर हम लोग संबंध की बात करें तो संबंध क्या हो सकता है, संबंध तो सबका पूरे गांव का आपसे होता है, संबंध तो आपका पूरे गांव से होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, विशेष होते हैं। तो ये जो हमने पूरा बना रखा है इसमें समुच्चय ए का समुच्चय ए के जो अवयव है वो किसी न किसी प्रकार से समुच्चय बी के अवयव से क्या है, संबंधित है, क्या है, संबंधित है। तो हम लोग कहते हैं कि किसी समुच्चय की क्या, समुच्चय ए व बी के कार्तीय, ए और बी के कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन के उप समुच्चय ए और समुच्चय बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय क्या कहलाएगा, संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। ठीक है, कहलाता है, ठीक है ना। इसे हम लोग किससे, संबंध को हम लोग इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अगर आपको संबंध ज्ञात करना है, अगर आपको क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है, तो सबसे पहले दिए गए समुच्चयों से क्या ज्ञात कीजिए, कार्तीय गुणन, क्या ज्ञात कीजिए, कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए, और उस कार्तीय गुणन से क्या कीजिए, आप उस कार्तीय गुणन के उप समुच्चय, क्या उप समुच्चय, मतलब हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहां ए और बी ले रखा है, हमने यहां क्या ले रखा है, ए और बी ले रखा है, और हम किसी रिलेशन पर चर्चा करते हैं, किसी रिलेशन पर चर्चा करते हैं। जैसे देखिए हमने कहा कि कोई संबंध आर है, कोई संबंध क्या है, आर है, जो इस प्रकार परिभाषित है, जो इस प्रकार क्या है, परिभाषित है कि जो एक्स है वो छोटा है किससे, वाई से। कैसे, ऐसे लिख देते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन क्या, वाई। तो आप देखिए यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है, जहां यहां लिख देते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, जो एक्स है वो समुच्चय ए से बिलोंग करता है और जो वाई है वो समुच्चय बी से बिलोंग करता है। तो जब हम समुच्चय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समुच्चय लिखेंगे तो इससे आर लिखेंगे, तो आर कैसे लिखेंगे, आर में क्या लिखेंगे, एक्स छोटा हो और वाई क्या हो, बड़ा हो। तो देखिए ध्यान से, यहां एक जो है वो छोटा है, चार क्या है, बड़ा है, एक छोटा है, चार बड़ा है। आप इस पूरे क्रमित युग्म को देखेंगे तो सब में हमारा जो क्या है, जो सब में हमारा एक्स है वो क्या है, बी से छोटा ही है। मतलब ये सभी के सभी अवयव किस में लिखे जाएंगे, आर में लिखे जाएंगे। ठीक है ना, और हमने क्या कहा कि जो संबंध होता है, क्या होता है, जो संबंध होता है, यहां लिख देते हैं, जो संबंध होता है वो दिए गए समुच्चय का क्या होता है, दिए गए समुच्चय का
उपसमुच्चय होता है, अर्थात जो आर होता है, संबंध होता है, वो समुच्चयों के कार्तिक गुणन का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। ये पहला उदाहरण था, ठीक है ना। आप दूसरे उदाहरण पर भी चर्चा कर लीजिए। कैसे? मान लीजिए हमने कोई संबंध लिखा आर। क्या लिखा? आर, जिसमें हमने लिखा यक्ष सच दैट यक्ष, यक्ष जो है, यक्ष का जो वर्ग है वो वाई के क्या है? बराबर है। और आगे हम कह रहे हैं कि जो यक्ष है वो बिलोंग करता है ए से, और जो वाई है वो बिलोंग करता है बी से। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? यक्ष का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? वाई के बराबर है। चलिए देख लेते हैं, इससे क्रमित युग्म बना लेते हैं। अगर यक्ष का मान हम एक रखें तो एक का वर्ग कितना हो जाएगा? एक ही। वाई का भी मान क्या हो जाएगा? एक, जो कि हमारे इस क्रमित युग्म में क्या है? नहीं है। आगे देखिए, हम लोग अगर यहाँ क्या रखें? दो रखें। यक्ष का मान क्या रखें? दो रखें। यक्ष का मान क्या रखें? दो रखें। तो दो का जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। दो का वर्ग कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि हमारे इस क्रमित युग्म में है। ठीक है, देखिए एक रखे हैं तो वाई का विमान कितना हो गया? एक हो गया। आगे बढ़ रहे हैं, दो रख रहे हैं तो दो का मान हो जाएगा कितना? दो का वर्ग चार। अगर एक्स का मान क्या रख रहे हैं? तीन रख रहे हैं। तीन का वर्ग कितना हो जाएगा? तीन का वर्ग हो जाएगा नौ, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ जो ए क्रॉस बी है उसमें जो संबंध हमने बनाए हैं उसमें कौन कौन है? एक चार है, एक पाँच है, एक छः है। क्या ये जो संबंध है वो इस समुच्चय के लिए परिभाषित नहीं होगा? ये जो संबंध है वो इसके लिए क्या होगा? परिभाषित नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एक और तीन और नौ इसमें मिली नहीं, क्या क्रमित जो हमने कार्तिक गुणन निकाला है वो वहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन है? दो चार है, ठीक है। जैसे हम क्या लिख दें, कोई और अन्य रिलेशन लिखें जिसमें हम क्या लिख दें, यक्स सच दैट यक्स प्लस टू, यक्स सच दैट यक्स प्लस टू। एक में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कुछ बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए यक्स प्लस वन, एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तीन बना लें। चलिए यक्स प्लस तीन बना लेते हैं। यक्स प्लस तीन बराबर क्या बना लेते हैं? वाई, ठीक है ना। ये रहा, देखिए ध्यान से, अब जहाँ ये भी लिखना पड़ेगा हमें कि जो यक्स है वो कहाँ से बिलोंग करता है? ए से। और जो वाई है वो कहाँ से बिलोंग करता है? बी से, ठीक है। यक्स की वैल्यू अगर हम लोग एक रखें तो हमें क्या मिलेगा? एक रखने पर यहाँ एक और तीन कितना हो जाएगा? चार। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चार हो जाएगी। आगे देखिए, अगर एक्स का मान हम यहाँ दो रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। और वाई का मान कितना हो जाएगा? पाँच हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स का मान हम लोग तीन रखते हैं, कितना रखते हैं? तीन रखते हैं, तो तीन और तीन कितना हो जाएगा? छः हो जाएगा। कितना हो जाएगा? छः। तो आप देख पा रहे हैं ये एक चार है, देखिए यहाँ एक चार है, दो पाँच है, दो पाँच यहाँ है, तीन छः है, तीन छः यहाँ है, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध है, कौन कौन संबंध? एक चार, दो पाँच, तीन छः, ये ए क्रॉस बी में से ही लिखा गया है। अर्थात यहाँ का जो आर है वो उपसमुच्चय है इसका, ए क्रॉस बी का, इसलिए ये संबंध क्या है? परिभाषित है, ठीक है ना। तो संबंध किसे कहते हैं? संबंध क्या होता है? किसी भी किन्हीं भी दो समुच्चयों के कार्तिक गुणन का जो उपसमुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है, ठीक है ना। हमने यहाँ परिभाषा में भी सिंपल परिभाषा लिखी है कि समुच्चय ए और बी के कार्तिक गुणन का जो उपसमुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा। वो जिस भी प्रकार से क्या होगा? परिभाषित होगा। इसे हम लोग आर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अर्थात आप लिखें, अगर इसे गणितीय भाषा में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि आर उपसमुच्चय होता है किसका? ए क्रॉस बी का, समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन का, ठीक है ना। देखिए अन्य उदाहरणों से भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई समुच्चय ए है, उसमें हमने क्या लिखा है? दो चार, क्या? दो चार पांच, ठीक है ना। आगे हमने क्या लिख दिया? समुच्चय बी लिख दिया। समुच्चय बी हमने लिख दिया एक तीन चार, एक तीन छ, ठीक है, एक तीन और छ। देखिए ध्यान से, यहाँ दो चार पांच है, यहाँ एक तीन क्या है? छ, ठीक है। हमने क्या लिख दिया? एक रिलेशन लिखा है। क्या लिखा है? एक रिलेशन लिखा है जिसमें हमने लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स इज लेस देन वाई, यक्स सच दैट यक्स इज यक्स, यक्स इज लेस देन वाई, जहां यक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू क्या है? बी, ठीक है ना।
देखिए कह रहे हैं कि जो यक्ष है वो ए समुच्चय में से लिया गया है और जो वाई है वो बी समुच्चय में से लिया गया है। आप एक ऐसा संबंध बनाइए। देखिए हम क्या बना देते हैं, इस प्रकार के संबंध को क्रमित युग्म के रूप में क्या कर देते हैं, बना देते हैं। देखिए यक्ष छोटा होगा अर्थात यदि यक्ष का मान 2 हो तो वाई का मान कितना, जैसे ध्यान से देख लीजिए पहले हम, अच्छा आपको क्रमित युग्म बना के दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी, यहां भी 3 अवयव है और यहां भी कितने अवयव है, 3 अवयव, तो कुल मिला के कितने बनने वाले हैं, 9 बनने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 1 फिर कौन, 2 और 3 फिर कौन, 2 और 6 ठीक है, फिर कौन बनेगा, 4 और 1 फिर कौन बनेगा, 4 और 3 फिर कौन बनेगा, 4 और 6 फिर कौन बनेगा, 5 और 1 फिर, 5 और 3 फिर, 5 और 6 ठीक है। ये रहा 2 1 2 3 2 6 4 1 4 3 4 6 5 1 5 3 और 5 6। आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि x का मान y से क्या रखना है, छोटा रखना है। आप इस क्रमित युग्म से उन क्रमित, इस कार्तीय गुणन से उन अवयवों को उठा के यहां लिख लीजिए, वो हो जाएगा क्या आपका आंसर। देखिए कैसे, x का मान छोटा होना चाहिए, y का मान क्या होना चाहिए, बड़ा। तो आप देख रहे हैं x का मान क्या है, 2 है और ये कौन है, 1 है। x बड़ा है लेकिन y क्या है, छोटा है, ये नहीं होगा। यहां x छोटा है लेकिन y क्या है, बड़ा, यहां क्या हो जाएगा, 2 और 3। आगे बढ़िए, यहां x छोटा है और y क्या है, बड़ा, ये भी लिया जाएगा, 2 और 6। यहां देखिए x बड़ा हो गया y छोटा हो गया, ये नहीं लिया जाएगा। यहां x बड़ा है y छोटा है इसलिए ये भी नहीं लिया जाएगा। यहां x क्या है, छोटा हो गया और y क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए 4 और 6 भी कंसीडर्ड किया जाएगा। आगे देखिए x बड़ा है नहीं लिया जाएगा, यहां भी x बड़ा है ये भी नहीं लिया जाएगा। अब यहां फिर से कौन आ जाएगा, 5 और 6। तो ये जो आपने बनाया है ये क्या है हमारा, जो संबंध उन्होंने दिया था वो बातें हमने यहां लिखी है, और ये जो बात है वो क्या है, क्रमित युग्म। आप देखें तो जो ये संबंध है वो क्रमित युग्म में से उठा के क्या किया गया है, लिखा गया है। देखिए 2 3 यहां है, 2 3 यहां भी है, 2 6 यहां है, 2 6 यहां भी है, 4 6 यहां है, 4 6 भी यहां है, 5 6 यहां है, 5 6 भी यहां है। इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका साफ शब्दों में मतलब यह है कि यदि आपको समुच्चयों का कार्तीय गुणन आता है तो आप संबंध क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है, ठीक है ना। ये रहा क्या आपका दूसरा उदाहरण, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आगे इस प्रकार बढ़ते हैं। अच्छा इसको अगर आप लोग क्या कर सके, प्रतिचित्रण के हिसाब से समझना चाहें तो देखिए प्रतिचित्रण से कैसे लगाना है। ये समुच्चय हमारा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा दूसरा समुच्चय कौन, बी, ठीक है ना। ए में कौन कौन से अवयव हैं, 2 है 4 है 5 है ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, हमारे पास एक यहां बी में 1 है 3 है और कौन है, 6 है ठीक है। देखिए 2 का संबंध उन्होंने कहा क्या था, संबंध में x छोटा होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो y कब का, y b से लिया जा रहा है और x किससे लिया जा रहा है, a से लिया जा रहा है। तो 2 का संबंध 1 से बनाएंगे तो क्या 2 छोटा होगा 1 से, नहीं होगा, इसलिए इसका इससे संबंध नहीं है। 2 छोटा होगा तब जब 3 से संबंध बनाएगा तो 2 और क्या हो जाएगा, 3। इसी प्रकार 2 किससे बना लेगा, 6 से बना लेगा, तो ये बात सत्य होगी। अगली 4 में 1 से बनाएगा तो बात सत्य नहीं होगी, 4 3 से बनाएगा तो भी बात सत्य नहीं होगी, इसलिए 4 का संबंध किससे होगा, 6 से होगा, तब बात सत्य होगी। अगली बात क्या है, 5 1 से बनाएगा तब बात सत्य नहीं होगी, क्यों, क्योंकि x जो होना है वो क्या होना है, छोटा होना है, किससे, y से, इसलिए 5 3 से भी सही नहीं है क्योंकि 5 बड़ा है और 3 क्या है, छोटा, तो 5 का संबंध किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां 5 क्या हो गया, छोटा हो गया और 6 क्या हो गया, बड़ा हो गया। आप इस हिसाब से भी क्या कर सकते, ज्ञात कर सकते हैं, संबंध डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं बिना ए क्रॉस बी ज्ञात किए, ठीक है ना। एक और उदाहरण हम आपको देते हैं संबंध ज्ञात करने में, हमने उदाहरण तैयार किया है आपके लिए। मान लेते हैं हमारे पास समुच्चय क्या है, ए है, बी है, सी है और कौन है, डी है, ठीक है ना। दूसरे समुच्चय बी में हम लिख लेते हैं अली, बाबा, 40, चोर, थे, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया है, ये देखिए हमारे पास जो समुच्चय है वो कौन सा है, ए बी सी और डी है।
दूसरे समुच्चय हमने क्या लिया है, अली बाबा 40 चोर। ठीक है, हमें क्या बनाना है, इसमें संबंध बनाना है। और संबंध कैसा है, संबंध में हम लिख रहे हैं समुच्चय आर, रिलेशन आर जो है वो इस प्रकार है कि यक्ष सच दैट यक्ष क्या है, यक्ष के पहला यक्ष समुच्चय यक्ष का पहला अवयव, पहला अक्षर तथा वाई का पहला अक्षर समान है। क्या है, समान है। ठीक है, देखिए ध्यान से हम लोग इसे किसे प्रतिचित्रण के माध्यम से समझते हैं। देखिए प्रतिचित्रण में हमने यहां समुच्चय बना लिया, कौन सा, ए बना लिया है, और यहां हमने क्या बना लिया, दूसरा समुच्चय क्या बना लिया, बी बना लिया। ठीक है ना, यहां हमने क्या लिख दिया, ए बी सी डी। ठीक है, आगे हमने यहां क्या लिख दिया, अली बाबा 40 चोर। ठीक है, थे मान लो हटा ही देते हैं। चलो अब देखो, हमने यहां जो संबंध कहा है वो संबंध कैसा है, संबंध है कि पहले पहले समुच्चय का पहला अक्षर जो है वो वाई के दूसरे 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 समुच्चय के पहले से क्या होगा, समान होगा। तो आप देखें यहां क्या लिखा है, ए लिखा है, क्या लिखा है, ए। अब आप इसमें देखिए किसमें किसका पहला अक्षर ए है, किसका पहला अक्षर क्या है, ए। तो ए क्या देखेंगे तो ये किससे संबंध बना लेगा, अली से बना लेगा, क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है, ए ही है। आगे देखिए बी किससे बनाएगा, बी सिर्फ बी वाले से बाबा से बनाएगा, क्योंकि उसका पहला अक्षर क्या है, बी है। और आगे सी किससे बनाएगा, 40 से भी बनाएगा, और किससे बनाएगा, चोर से भी बनाएगा। तो आप जब इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे रिलेशन आर में, तब कैसे लिखेंगे, क्रमित युग्म में, ए के साथ कौन आ जाएगा, अली आ जाएगा, बी के साथ कौन आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, सी के साथ कौन आ जाएगा, सी के साथ 40 आ जाएगा, और सी के साथ कौन आ जाएगा, चोर भी आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, आप इस प्रकार से क्या ज्ञात कर सकते हैं, संबंध ज्ञात कर सकते हैं। रही बात क्रमित युग्म की, तो आप क्रमित युग्म में भी ज्ञात कर सकते हैं, यहां जो अवयव है वो कितने हैं, चार हैं, यहां भी अवयव कितने हैं, चार हैं। तो आप टोटल क्रमित युग्म में भी बना के लिख सकते हैं, ए का इससे, ए का इससे, और ए का इससे, और ए का इससे भी। समझ रहे हैं ना, ए का सभी अवयव से क्या कर सकते हैं, आप ऑर्डर्ड पेयर क्रमित समुच्चयों का गुणन भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम बात किस पर कर रहे थे, संबंध पर कर रहे थे। तो संबंध क्या बनेगा हमारा, यहां जो संबंध लिखा जाएगा वो इस प्रकार से संबंध बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा अगला टॉपिक होगा अब संबंध के बाद प्रांत, क्या होगा, प्रांत। ठीक है ना, प्रांत के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सहप्रांत पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, परिसर। तो सबसे पहले प्रांत की बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने समुच्चय ले लिया है ए, क्या ले लिया है, ए। समुच्चय ए में हमारे पास मान लिया हमने क्या, समुच्चय ए। ठीक है, ए में हमारे पास मान लीजिए 2, 4, 6, 8 अवयव हैं। ठीक है ना, और बी हमारे पास क्या है, बी हमने बी अभी हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए बी में हम क्या लिखेंगे, एक संबंध बना लेते हैं, और संबंध में लिखते हैं कि यक्ष सच दैट यक्ष, यक्ष सच दैट यक्ष का वर्ग जो है वो वाई के क्या है, बराबर है, जहां यक्ष इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब यहां लिख लेते हैं 4, यहां लिख लेते हैं 16, यहां लिख लेते हैं 36, और यहां क्या लिख लेते हैं, 64। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां जो संबंध बना रहे हैं वो संबंध किस प्रकार बना रहे हैं, कि पहले समुच्चय के अवयवों का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा किसके, दूसरे वाले के। तो पहले पहले में कौन है, 2, इसका वर्ग कीजिए, 2 का आंसर किसका मिलेगा, 4, 2 का संबंध किससे हो गया, 4 से हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 4 का जरा वर्ग कीजिए, तो पहला पहले अवयव में से आपने 4 उठाया, और आपको 4 का क्या करना है, वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग आप करेंगे तो कितना मिलेगा, 16, 4 का संबंध किससे हो गया, 16 से। इसी प्रकार से आप आगे बढ़िए, 4 हो गया, 6 ले लीजिए, 6 लेंगे तो 6 का संबंध कैसे बनाएंगे, हमने यहां 6 ले लिया, 6 का वर्ग करिए, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, तो ये 6 का वर्ग किससे हो गया, 6 का संबंध किससे हो गया, 36 से हो गया। इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो 8 लेंगे, और 8 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64, 8 का संबंध किससे है,
64 से है, ये हमने जो निकाला है वो सीधे क्या निकाला है, रिलेशन, क्या निकाला है, रिलेशन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। रही बात क्रमित युग्म की, तो आप ए और बी का क्या करेंगे, अधिकांश गुणन करेंगे, कार्तीय गुणन करेंगे, तो जो समुच्चय मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कार्तीय गुणन। और उस कार्तीय गुणन में से यदि हम ये वाली बातें निकाल के लिख लें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संबंध। ठीक है, कार्तीय गुणन के उप समुच्चय को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, संबंध, जब वो विशेष प्रकार से क्या हो, परिभाषित हो। ठीक है ना, देखिए हम लोग डोमेन की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, डोमेन, प्रांत की। ठीक है, देखिए हमने मान लीजिए यहां क्या लिख दिया है, समुच्चय ए, और इधर क्या लिख दिया है, समुच्चय बी। ध्यान से देखिए, क्योंकि इस टॉपिक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो कौन है, प्रांत ज्ञात करना, सहप्रांत ज्ञात करना, और कौन ज्ञात करना, परिसर ज्ञात करना। ठीक है, आपको आज के बाद प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करने में कभी समस्या नहीं होगी। ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं डोमेन ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, डोमेन। तो सबसे पहले समुच्चय ए लिख लीजिए, हमने यहां क्या लिख दिया, 2, 4, 6, 8। ठीक है, दूसरे समुच्चय में क्या लिख लिया, 4, 16, 36 और कौन, 64। ठीक है, ध्यान सुनिए, डोमेन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं, ठीक है, समुच्चय ए, समुच्चय ए या पहले समुच्चय के वे अवयव जो दूसरे से संबंध बनाते हैं, जो दूसरे से क्या बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। आपको सीधी बात याद रखनी है कि पहला जो समुच्चय होगा उसके अवयव प्रांत कहलाते हैं। ठीक है ना, जो पहला समुच्चय होगा उसके अवयव क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। और जो दूसरा समुच्चय होगा उसके जो अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे, सहप्रांत कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सहप्रांत। ठीक है ना, और ध्यान सुन लीजिए कि जो सहप्रांत होता है, जो क्या होता है, सहप्रांत होता है, उसी में आपको अगर मिलेगा कुछ तो कौन मिलेगा, परिसर भी मिलेगा, कौन मिलेगा, परिसर भी मिलेगा। ठीक है, आपको अगली कक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ समझना है अगली कक्षा के लिए, वो प्रांत है, सहप्रांत है और परिसर है। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि प्रांत आपको ज्ञात करना है, तो आप समुच्चय ए के या पहले समुच्चय के जो अवयव हैं वो उसके लिए क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, और समुच्चय बी के जितने अवयव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहप्रांत कहलाते हैं, याद कर लीजिए। आगे परिसर किसे कहते हैं, परिसर जो होता है वो सहप्रांत में ही पाया जाता है, बशर्ते अंतर सिर्फ इतना है कि जो परिसर होता है वह सिर्फ और सिर्फ वह होता है जो किससे क्या करे, संबंधित हो पहले वाले समुच्चय के अवयवों से। मतलब बात इतनी है कि यदि यहां कोई और भी अवयव होता, मान लो 81 होता, ठीक है, तो हम डोमेन लिखते, सबसे पहले तो डोमेन लिख के दिखा देते हैं आपको, डोमेन लिखते, तो डोमेन में कौन कौन लिखते, 2 लिखते 4 लिखते 6 लिखते और कौन लिखते, 8 लिखते। ठीक है, फिर क्या लिखते, कोडोमेन लिखते, क्या लिखते, कोडोमेन लिखते, तो कोडोमेन में क्या लिखते, पूरा बी लिख देते, क्या लिख देते, पूरा बी लिख देते, अर्थात सीधे सीधे हम लोग क्या लिख देते हैं, समुच्चय बी ही लिख देते हैं। लेकिन यदि रेंज लिखते, क्या लिखते, रेंज लिखते, तो रेंज में सिर्फ वही अवयव लिखे जाते जो ए से संबंध बनाते हैं, जो संबंध नहीं बनाता वो रेंज में नहीं लिखा जाता। अर्थात वो कौन कौन से होते, 4 होता 16 होता 36 होता और कौन, 64। ये रही आपकी कौन, रेन, ये रही आपकी कौन, डोमेन। ठीक है, और ये क्या है हमारी, कोडोमेन। ध्यान रखिएगा कि जो रेंज होती है वो सदैव कहां पाई जाती है, कोडोमेन में ही पाई जाती है। समुच्चय बी के या दूसरे समुच्चय का कुल अवयव या प्रत्येक अवयव क्या कहलाता है, आपका सहप्रांत कहलाता है, और जो समुच्चय ए से संबंधित हो जाता है वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, और समुच्चय ए के अवयव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, देखिए और उदाहरण से हम आपसे बात करा देते हैं, और उदाहरण देख लीजिए एक ठो, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, समुच्चय ए, ठीक है, एक और क्या है, 2 है। दूसरा समुच्चय हमने क्या लिखा, बी लिखा, यहां क्या लिख दिया, 1, 2 और क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, 1, 2, 3 और आगे बढ़ा लेते हैं, 4। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो रिलेशन है वो इस प्रकार परिभाषित है कि x such that x is greater than y, x such that
x इज ग्रेटर देन क्या है वाई, x की जो वैल्यू है वो वाई से क्या है बड़ी। अगर x की वैल्यू वाई से बड़ी है तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, x की वैल्यू वाई से बड़ी हो, x बड़ा हो y से, x बड़ा हो कौन y से, इसका मतलब एक एक से तो बड़ा हो नहीं सकता, एक एक, एक से संबंध नहीं बनाएगा, दो एक से बड़ा हो सकता है तो दो कौन से बना लेगा, एक से संबंध बना लेगा, और किसी संबंध नहीं बनेगा, और किसी संबंध नहीं बनेगा। तो अगर आपसे इसकी डोमेन पूछी जाए, क्या पूछी जाए डोमेन पूछी जाए, तो डोमेन क्या हो जाएगी एक और दो, ठीक है। अगर आपसे इसकी क्या पूछी जाए रेंज पूछी जाए, क्या पूछी जाए रेंज पूछी जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगी एक होगी, ठीक है ना। यदि आपसे इसकी कोडोमेन पूछी जाए, कोडोमेन पूछी जाए तो समुच्चय बी का कुल अवयव जो रहेगा वो आपका क्या क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। आप प्रांत, सहप्रांत और क्या परिसर समझ चुके होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।